हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन 2 के बारे में आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फार्माकोडिक इक्वेशन। और इसका फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पर मैंने जूम किया, क्लियर द ब्रेथ भी एक्स, लेंथ भी 2x+1, क्योंकि ट्वाइस से वन ज़्यादा है मीटर में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा फार्मूला होता है L(b) के लिए। तो अब हम देखते हैं, हमें हमारा वैल्यू बना एक्स और ब्रैकेट में 2x+1 इजकल टू 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कहा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू बना वो हो गया 2x² + x = 528। तो 2x² + x - 528 = 0 अब हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 का की आइडेंटिटी फॉलो होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2x² + x - 528 = 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर कहा गया है, तो हमने एक कंसेक्यूटिव नंबर माना पहला x और दूसरा x+1। और क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर कहा गया है, तो हमने किया क्या, x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जिसकी वैल्यू प्री गिवन है 306। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x² + x = 306। तो हमारा इक्वेशन बना x² - 306 = 0। तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी ax² + bx + c का आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x² + x - 306 = 0 इज द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन कंडीशन। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, रोशन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोशन प्रेजेंट एज। तो हम देखते हैं कि रोशन की प्रेजेंट एज अगर हम x मान लेते हैं, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, x + 26, क्योंकि 26 ईयर ओल्डर है। तो आफ्टर 3 ईयर अब हम देखते हैं रोहन की एज क्या होगी, x+3 होगी। तो उसकी मदर की एज क्या होगी, x + 3 + 3 हो गई। तो यानी अब जो इक्वेशन होगा वो बना x + 3 और x + 29 = 360। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब हमने x + 3 और x + 29 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारी जो वैल्यू मिली वो हुआ x² + 29x + 3x + 87 = 360। तो x² + 32, क्योंकि 29x + 3x तो हो गया 32x + 87 = 360। तो x² + 32x = 360 माइनस किया 87, तो वैल्यू बना x² + 32x = 273। यानी अब हम इसको जब इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यू मिलती है हमें x² + 32x - 273 = 0। यानी हमें जो रिक्वायर इक्वेशन बनाना है वो बना हमारा x² + 32x - 273 = 0, ये बनता है। अब क्वेश्चन सेकंड का ही हम फोर्थ पार्ट लेते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले मैंने माना स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो t1 के रूप में मैंने यहाँ लिया, तो आ गया 480/x। और न्यू स्पीड कहा गया ट्रेन का, जिसको कि हमने t2 से डिनोट किया, तो होता है 480/x - 8, क्योंकि कहा गया 8 किलोमीटर पर आवर अगर रिड्यूज होती है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं t2 - t1 = 3 हमें मिलता है, क्योंकि टेकन 3 आवर मोर कहा गया था। देन 1/480 × 480/x - 8 = 1/480 ×
480 अपॉन x बन गया। क्यों बना? क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसको 480 से, तो अब यहाँ पर वैल्यू हमारी बन गई 1/(x-8) इजकल टू 1/(x) या 3/80 इजकल टू 1/60। तो x माइनस और ब्रैकेट में x-8/(x-8) इंटू x करने पर वैल्यू बना था 1/160। तो 8/(x²-8x) इजकल टू है 1/160। तो x²-8x इजकल टू 160 इंटू 8 ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x²-8x इजकल टू हो गया मल्टीप्लाई करने पर 1/4 8 इजकल टू 0। तो अब इसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जो कि बना x²-8x-1248 इजकल टू 0। तो ये हमारा सूटेबल इक्वेशन फॉर्म यहाँ पर करता है। क्वेश्चन सेकंड की इस फोर्थ पार्ट के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। कल की क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।